अफगानिस्तान इस वक्त प्लस 1.28 के ऊपर है और इंडिया प्लस 1.62 के ऊपर आ गया है। और तो यहाँ पे क्या है कि सबकी नज़रें अब 7 तारीख को जो मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, और सबको ये है कि क्या होगा। लेकिन जो ज़्यादा लगने में आ रहे हैं, लोग काफ़ी लोग आज फ़ोन किए, सब घबरा रहे हैं क्या भाई क्या समझते हैं जो जिस तरह की आज की परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई और न्यूजीलैंड का स्ट्रगल जो हो रहा है बैटिंग में, ओवरऑल उस कन्विंसिंग तरीके से न्यूजीलैंड नहीं जीत सका जो इंडिया इस वक्त इंडिया ने दिखाया। न्यूजीलैंड 52 रन से जीता है T20 में, 52 वो बात ठीक है। लास्ट मैच 16 रन से जो जीते थे वो थोड़ा सा दोनों मैचेस थोड़े से क्लोज हो गए, लेकिन तकरीबन 17 ओवर में इनके 117 थे और उसके बाद जो लास्ट 18 बॉल पर रन किए हैं वो जबरदस्त है। लेकिन इंडिया ने जाहिर सी बात है उनके पास और कुछ भी नहीं है। आज के मैच में इनको नेट रन रेट अपना अच्छा करना था और किया भी उन्होंने, अफगानिस्तान से ऊपर चले गए। अफगानिस्तान इस वक्त प्लस 1.28 के ऊपर है और इंडिया प्लस 1.62 के ऊपर आ गया है। और तो यहाँ पे क्या है कि सबकी नज़रें अब 7 तारीख को जो मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, और सबको ये है कि क्या होगा। लेकिन जो ज़्यादा लगने में आ रहे हैं, लोग काफ़ी लोग आज फ़ोन किए, सब घबरा रहे हैं क्या होगा। लेकिन सुकून से रहे, न्यूजीलैंड आराम से थ्रू कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। लेकिन आज जैसे उन्होंने 14 ओवर तक स्ट्रगल आज किया, मैच नहीं होगा। देखिए टॉस पे बड़ा फाइटल नहीं इफेक्ट हो सकता। आज टॉस उन्होंने जीता, इनको बैटिंग दी 14 ओवर्स में 87 जो अफगानिस्तान की बात करें, हिस्ट्री जो हमने देखी इस इवेंट के अंदर देखी है, वो शुरू अच्छा करते हैं, गुरबाज 2-3 छक्के मारेगा या जजई आके, लेकिन पूरा गो थ्रू नहीं करते ये लोग। ये 7-8 ओवर में 70-10 रन के रन रेट से भी चले जाएंगे, लेकिन क्या टोटल कितना है 130। ये इशू है अफगानिस्तान की टीम में और प्रोफेशनल टीम है न्यूजीलैंड, कैप्टनसी उसकी, लीडरशिप क्वालिटी तो लगता नहीं। हाँ कोई ऐसा हो जाए कि वो लंबी इनिंग खेल जाए, कोई शहजाद हो या गुलबाज हो या नबी हो, तो डिफरेंट गेम हो सकता है। लेकिन हिस्ट्री जो बताती है इस इवेंट की, वो इतनी ज़्यादा साथ नहीं दे रही अफगानिस्तान की। बिल्कुल। और 3 स्पिनर्स आज खिलाए इंडिया ने, पिच को लगता है बहुत अच्छा रीड किया। जडेजा की बॉल कुछ ब्रेक भी हुए, 3 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। शामी को खिलाया, अश्विन को भी खिलाया और चक्रवर्ती को भी खिलाया, 3 स्पिनर्स से गए। पिच को भी आज अच्छा रीड किया इंडिया की टीम ने। बिल्कुल। दूसरी बात यह कि ऑलरेडी उनके पास 3 पेसर वैसे भी अवेलेबल थे, पांड्या की सूरत में उनके पास एक ऑलराउंडर है जो कि बेहतरीन ऑलराउंडर है, चक्रवर्ती का चांस लेके थोड़ा सा मिस्ट्री है तो उनको समझ नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह टॉनसेट के ऊपर से बुमराह ने जिस तरह उसको आउट किया, फिर अश्विन को अगर आप देखें, शामी को देखें, जडेजा ने आज जिस तरह की बॉलिंग की है, जो पहला विकेट उसको मिला वहाँ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया, क्योंकि वो एक आइडियल लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए एक आइडियल बॉल होता है जिस तरह उसको बॉल किया। तो आई थिंक बड़ा अच्छा स्टार्ट उन्होंने दिया। जो भी लाइक जो टारगेट सेट किया था इंडिया ने टॉस जीत के, तो आई थिंक सारे प्लेयर ने उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट किया। और फिर जो सबसे बेस्ट जो चीज़ लगी कि उनके बैट्समैनों को उनके सामने एक जो उनका प्लान था कि हम चेसिंग में जाएंगे और हमारे सामने बोर्ड पे एक टारगेट होगा तो हम उसी हिसाब से उसको चेस करेंगे और अपने रन रेट को, तो जिस तरह केएल राहुल ने और शर्मा ने उसको रिप्लाई किया और जिस तरह एग्जीक्यूशन उन्होंने किए, तो आई थिंक आप कह सकते कि टॉप बैटिंग लाइनअप तो उनको वैसी भी थी, लेकिन वंस अगेन बड़े ज़बरदस्त एग्जीक्यूशन और बैटिंग, मज़ा आया देखने का। बिल्कुल ज़बरदस्त।